फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साउथ मोइनोस यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं 10 बड़ी नई साउथ की हिंदी डब मूवीज़ के बारे में। सो दोस्तों, इन 10 बड़ी मूवी में से 7 मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है एंड 2 मूवी की कंफर्म अपडेट बताने वाला हूं एंड दोस्तों 1 मूवी की कन्फर्म वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर रिलीज डेट देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इसलिए मैं आप लोग रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखते रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के 1 लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 पर मूवी आती है वड़ा चेन्नई, जो कि 2018 में रिलीज एक्शन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में सुपरस्टार धनुष, ऐश्वर्या, राजेश किशोर इस मूवी के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। एंड अगर बात की जाए इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। स्पेशली अगर आप लोगों को एक्शन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए, मूवी को मिस मत करिएगा। एंड अगर बात की जाए इस मूवी की हिंदी डबिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी डबिंग कम्प्लीट करवाई है गोल्डमाइन टेलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने एंड इस मूवी की हिंदी वर्जन का टाइटल का नाम रखा है चेन्नई सेंट्रल के नाम से, इसमें को डब करवाया गया। ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल है, अगर आप इसमें को देखना चाहते हैं तो दोस्तों मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर दो पर मूवी आती है वीनेरा सुधेरा वीरा कुमारा, जो कि 2019 में रिलीज हुई ड्रामा एक्शन रोमांस कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है श्रीनिवास साई, प्रियंका जैन। इस मूवी के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है एंड इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि एक बेहद शानदार रेटिंग मानी जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा एक्शन रोमांस मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आप लोगों के लिए मस्ट वॉच मूवी रहने वाली है एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। एंड इस मूवी की हिंदी डबिंग को कंप्लीट करवाई है वीयून डबिंग स्टूडियो में और इस मूवी की हिंदी वर्जन का टाइटल का नाम रखा है सुन मेरे भाई। ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर तीन पर मूवी आती है एडवेंचर ऑफ ओमना कुतन, जो कि 2017 में रिलीज हुई थ्रिलर ड्रामा कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में आसिफ अली, भावना अदी रवि। इस मूवी के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप लोगों को थ्रिलर ड्रामा कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए, मूवी को मिस मत करेगा। एंड इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग मानी जाती है। एंड इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है इंटरटेन प्राइवेट लिमिटेड ने और इस मूवी की हिंदी वर्जन का सेम नाम के टाइटल के नाम से इसमें को डब करवाया गया। ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर चार पर मूवी आती है रोफ, जो कि 2014 में रिलीज हुई ड्रामा रोमांस एक्शन कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में अदीर कुलप्रीत, वर्मानंदम। इस मूवी के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों को एक्शन रोमांस ड्रामा कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते तो आप इस मूवी को मिस मत करिएगा, इसमें के अंदर आप लोगों को काफ़ी हद तक कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी, तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। एंड इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली एंड ये मूवी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एंड इस मूवी की हिंदी डबिंग को कंप्लीट करवाई है साउंड एंड विजन इंडिया डबिंग स्टूडियो में, इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है और इस मूवी को सेम नाम से डब करवाया गया। ये मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियली अवेलेबल है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पनियाड़म पद्मनियम, जो कि 2014 में रिलीज हुई ड्रामा कॉमेडी एक्शन रोमांस मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में सुपरस्टार विजय सेतुपति, ऐश्वर्या, राजेश, जयम प्रकाश। इस मूवी के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड बात की जाए इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तरफ से 7.8
आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिले, जो कि एक ब्लॉकबस्टर की रेटिंग मानी जाती है। दोस्तों स्पेशली ये मूवी उन ऑडियंस के लिए जो ज़्यादातर कॉमेडी के साथ साथ रोमांस एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप इस मूवी को मिस मत करिएगा। ये मूवी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करने वाली मूवी रहने वाली है। इसके साथ इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिली थी। अगर बात की जाए इस मूवी की हिंदी डबिंग की, दोस्तों इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है साउंड एंड विजन इंडिया डबिंग स्टूडियो में। इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है और इस मूवी की हिंदी वर्जन का टाइटल का नाम रखा है प्यारी पद्मनी के नाम से इस मूवी को डब करवाया गया। ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं दोस्तों मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेघा मानम जो कि 2014 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा रोमांस कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में आर्या हंसिका मठवानी, आशीष इस मूवी के लीड रगास में आप लोगों को नज़र आने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, जो कि एक काफ़ी बढ़िया रेटिंग मानी जाती है एंड ये मूवी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। दोस्तों अगर आप लोगों को ड्रामा एक्शन मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। अगर बात की जाए इस मूवी की हिंदी डबिंग की, दोस्तों इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है जी नेटवर्क ने और इस मूवी को सेम नाम से डब करवाया गया। ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तियनास सिगापू मनीथन जो कि 2014 में रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है सुपरस्टार विशाल, लक्ष्मी इमानिया, जयप्रकाश। इस मूवी के लीड रोल में आप लोगों को नज़र आने वाला है। दोस्तों अगर आप लोगों को सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद करते तो आप इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अगर बात की जाए इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी एंड इस मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई थी जी नेटवर्क ने और इस मूवी की हिंदी वर्जन का टाइटल का नाम रखा है प्यार इन योर डेट। ये मूवी यूट्यूब पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो दोस्तों मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर आठ पर मूवी आती है सैली फेलो जो कि 2018 में रिलीज हुई ड्रामा कॉमेडी एक्शन मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में है अली नड़े, सुनील चित्रा। इस मूवी के लीड रोल में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली एंड ये मूवी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। स्पेशली इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिली थी एंड इस मूवी की हिंदी डबिंग को कम्प्लीट करवाई है गोल्डमाइन टेलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने और इस मूवी को सेम नाम से डब करवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी प्रीमियर होने वाली 28 जून को रात के 7 बजे ढिंचक टीवी चैनल पर एंड ये मूवी कुछ ही दिनों के बाद ये मूवी ऑफिशियली गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर भी आएगी। नंबर नौ पर मूवी आती है एक्शन जो कि 2019 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में विशाल तमन्ना भाटिया आरव। इस मूवी के लीड स्टार कास्ट में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है एंड अगर बात की जाए इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है। एंड अगर बात की जाए इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स की, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा था गोल्डमाइन टेलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने एंड गोल्डमाइन टेलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने इस मूवी की हिंदी डबिंग को कम्प्लीट करवाई गई है और इस मूवी को सेम नाम से डब करवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा टी वी एंड यूट्यूब पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस मूवी का प्रोमो आउट हो चुका है सिनेमैक्स पर, यानी कि ये मूवी आप लोगों को नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी यूट्यूब एंड टीवी पर। नंबर दस पर मूवी आती है थम्बी जो कि 2019 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर सस्पेंस मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में कार्तिक ज्योतिका, अनुप पॉल। इस मूवी के लीड स्टार में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। स्पेशली इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिली थी। अगर बात की जाए इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स की, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदा था गोल्डमाइन टेलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने एंड गोल्डमाइन टेलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने इस मूवी की हिंदी डबिंग को कंप्लीट करवाई और इसमें को सेम नाम से डब करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आप लोगों को इसी
महीने के एंड तक ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी यूट्यूब प्लस टीवी पर। ये मूवी आएगी टीवी पर सोनीमैक्स टीवी पर एंड ये मूवी आएगी यूट्यूब पर गोल्डमाइन के टेलीफिल्म के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।